हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी क्लास सिक्स साइंस चैप्टर टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज हम क्लास सिक्स की साइंस पढ़ेंगे चैप्टर टू। चैप्टर का नेम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन के कंपोनेंट्स मतलब अवयव या घटक या एलिमेंट। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें न्यूट्रिएंट क्या होता है उसको जान लेना होगा। न्यूट्रिएंट की हिंदी मीनिंग होती है पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट क्या है? अ सब्सटेंस विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। एक ऐसा पदार्थ है न्यूट्रिएंट्स जो हमारे जीवन को मेंटेन करने के लिए एंड फॉर ग्रोथ, हमको ग्रोथ देने के लिए आवश्यक होता है। इस कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट्स, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। आवर फूड हैज फाइव मेजर न्यूट्रिएंट्स। हमारा भोजन पांच पोषक तत्वों को रखता है। भोजन में क्या होते हैं? पांच पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये पांच ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए अति आवश्यक हैं। फैट को लिपिड भी कहते हैं, फैट को लिपिड भी कहते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के कंपोनेंट्स क्या हैं? आवर फूड है सेवन कंपोनेंट्स। हमारे भोजन में सेवन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन्स, चौथा विटामिन्स, पांचवा मिनरल्स, छठा वाटर, सातवां रफेज। रफेज को अदर नेम से हम जानते हैं डाइट्री फाइबर। रफेज को डाइट्री फाइबर भी कहते हैं। ये सेवन कंपोनेंट्स हमारे फूड में होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, ताकि हम काम कर सकें। द मेन कार्बोहाइड्रेट दैट वी ईट इन आवर फूड इज स्टार्च। हम अपने भोजन में जो खाते हैं उनमें मेन कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है। एंड इट कम्स फ्रॉम सीरियल्स लाइक वीट एंड राइस। और ये स्टार्च कहां से आता है? कार्बोहाइड्रेट सीरियल से आता है, अनाजों से आता है, जैसे गेहूं, चावल। नाउ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड। हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका स्रोत क्या है, कहां से मिलता है हमको? सीरियल्स, जितने अनाज होते हैं सब में मिलता है, जैसे गेहूं, वीट, राइस, चावल, मेज, मक्का, ठीक है, एक्सेट्रा, पोटैटो, आलू में भी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर, चीनी में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जैगरी, गुड़ में कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड हनी, शहद में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, नाउ अब हम लोग फैट्स जानेंगे। दूसरा फूड कंपोनेंट क्या है? फैट्स। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फैट्स। फैट्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट हमको कार्बोहाइड्रेट की तरह ये भी एनर्जी देता है। फैट प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दैट प्रोवाइडेड बाई द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट हमें उतनी एनर्जी देता है जितना कि उतना सेम अमाउंट कार्बोहाइड्रेट देता है, उससे दो गुना ज्यादा एनर्जी देता है। फैट हमारा कार्बोहाइड्रेट से दो गुना ज्यादा एनर्जी देता है। द फूड कंटेनिंग फैट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे भोजन जिनमें कार्बोहाइड्रेट हो और फैट हो, ऐसे भोजन जिनमें कार्बोहाइड्रेट हो और फैट हो उसे क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है, इनसे हमको एनर्जी मिलती है। फैट्स आर सप्लाइड टू आवर बॉडी बाय मेनी फूड सच एज। फैट हमारे बॉडी को कैसे सप्लाई होता है, मिलता कैसे है? बटर से मिलता है, घी से मिलता है, मिल्क से मिलता है, चीज पनीर जिसे कहते हैं उससे मिलता है, आयल, आयल में ग्राउंड नट आयल, मस्टर्ड आयल, सरसों का, सनफ्लायर, फ्लावर आयल, कोकोनट आयल, एक्सेट्रा से आपको फैट मिलता है। एक योग, अंडे का पीला हिस्सा,
उसको खाने से फैट मिलता है आपको, मीट मांस खाने से फैट मिलता है एक्सेट्रा। तीसरा फूड कंपोनेंट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है हमें ग्रोथ करने के लिए, और बॉडी में जब कुछ डैमेज हो जाता है तो बॉडी सेल को रिपेयर करने के लिए काम में आता है आपका प्रोटीन। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसे भोजन जिसमें आपके प्रोटीन होते हैं उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। द वेरियस फूड्स विच आर रिच इन प्रोटीन्स आर, वो विभिन्न भोजन जिनमें प्रोटीन्स होता है वो क्या है, मिल्क, मिल्क में प्रोटीन होता है, चीज पनीर में प्रोटीन होता है, पल्सेस दाल में प्रोटीन होता है, पीज मटर में प्रोटीन होता है, बीन्स सेब में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, ग्राउंड नट मूंगफली में प्रोटीन होता है, फिश मछली में प्रोटीन होता है, मीट मांस में प्रोटीन होता है, चिकन में प्रोटीन होता है, अंडे में प्रोटीन होता है। ओके, नाउ फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फूड इज विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करता है बीमारियों से लड़ने की क्षमता डेवलप करता है। ठीक है, द विटामिन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ द अल्फाबेट सच एज। विटामिन्स को हम इंग्लिश के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इन दोज केसेस, ऐसे केसों में वेयर द सेम लेटर इज यूज, जहां पर समान अक्षर प्रयोग हो रहे हैं, टू रिप्रेजेंट मोर देन वन विटामिन, एक से अधिक विटामिन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वी पुट द डिजिट्स 1, 2, 3। हम उनके आगे क्या लगा देते हैं, 1, 2, 3 डिजिट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 एक्सेट्रा। अब हम विटामिन ए के बारे में डिटेल में जानते हैं। विटामिन ए प्रोटेक्ट आईज स्किन एंड हेयर। विटामिन ए हमारे शरीर में आंख की रक्षा करता है, स्किन त्वचा की रक्षा करता है, और हेयर्स बाल की रक्षा करता है। अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी है तो आपकी आई साइट वीक हो जाएगी और हमको क्या होने लगेगी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे कहते हैं, स्किन प्रोटेक्ट करता है और हेयर फॉलिंग होने लगती है। विटामिन ए की कमी से क्या होने लगता है, हेयर फॉलिंग होने लगती है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए कहां कहां पाया जाता है, किस किस चीज में, मिल्क में, दूध में, बटर, मक्खन में, कैरेट, गाजर में, फिश मछली में, लीवर आयल, एग्स अंडे में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, मैंगो में, पपाया में विटामिन ए पाया जाता है। अब विटामिन B1 के बारे में हम लोग जानते हैं। विटामिन B1 इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। विटामिन बी किसके लिए आवश्यक है, ग्रोथ के लिए आवश्यक है, और प्रॉपर फंक्शनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के लिए आवश्यक है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। हार्ट हृदय के लिए विटामिन B1 आवश्यक है, नर्व्स के लिए विटामिन B1 आवश्यक है, मसल्स डेवलप करने के लिए विटामिन B1 आवश्यक है। सोर्सेज ऑफ विटामिन B1, विटामिन B1 कहां कहां पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, किस किस चीज में, एग्स में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, होल ग्रेन्स जितने अनाज होते हैं सब में पाया जाता है विटामिन आपका B1। पोटैटो आलू में विटामिन B1 पाया जाता है, ईस्ट में विटामिन B1 पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स हरे सब्जियों में विटामिन B1 पाया जाता है। ओके, नाउ विटामिन सी। विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ गम्स एंड ज्वाइंट्स हेल्दी। विटामिन सी क्या करता है, हमारे दांतों को, मसूड़ों को, ज्वाइंट्स को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी इज आल्सो इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के विरुद्ध क्या है, रेजिस्टेंस को डेवलप करता है ताकि हमको इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन से बचाता है, एंड हेल्प्स टू फाइटिंग डिजीज, और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के क्या सोर्सेज हैं, ऑरेंज, लाइम, लेमन, आंवला, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये विटामिन सी इन सब में पाया जाता है। विटामिन डी,
विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी आपके हड्डियों के ग्रोथ के लिए, दांतों को ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के क्या सोर्स हैं, कहां से हमको विटामिन डी किन किन चीजों में मिलता है, मिल्क दूध में, फिश मछली में, एग अंडे में, बटर मक्खन में, लीवर आयरन, सनलाइट सूर्य के धूप से भी हमको पर्याप्त विटामिन डी मिल जाता है। नाउ मिनरल्स, फिफ्थ कंपोनेंट है आपका मिनरल्स। आवर बॉडी नीड मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। हमारे शरीर को इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, गुड हेल्थ के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। मिनरल्स आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स। मिनरल की जरूरत क्यों होती है, हड्डियां बनती है इससे, एंड टीथ दांत बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड बनता है, फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, नर्व्स एंड थायराइड ग्लैंड एक्सेट्रा। इससे हमारा मसल्स अच्छे से फंक्शनिंग करता है, नर्व्स हमारे अच्छे से फंक्शनिंग करते हैं, थायराइड ग्लैंड अच्छे से फंक्शनिंग करता है। सम इंपोर्टेंट मिनरल्स आर, कुछ महत्वपूर्ण मिनरल आपको बताता हूं। कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, सोडियम और पोटेशियम, ये कुछ मिनरल्स हैं आपके। ओके, नाउ अब हम फूड कंपोनेंट के सिक्स पार्ट को पढ़ते हैं। वाटर, वाटर प्रोवाइड अ लिक्विड इन विच अदर सब्सटेंसेस कैन डिजॉल्व। वाटर हमारे शरीर को लिक्विड प्रोवाइड करता है जिसमें अन्य पदार्थ घुलते हैं एंड मूव विद इन द बॉडी आर इलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। और पानी की मदद से ये वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ वाटर, वाटर के क्या फंक्शन है, कार्य है, उनको हम देखते हैं। टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल्स। पचे हुए भोजन को शरीर के हर सेल में ये ले जाता है पानी। टू ट्रांसपोर्ट इंपोर्टेंट केमिकल्स सच एज हार्मोन्स अराउंड द बॉडी। हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स निकलते हैं इंपॉर्टेंट, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है इन हार्मोन्स को। टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को ये पानी क्या करता है, बाहर निकालता है। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हमारे शरीर के तापमान को ये सामान्य रखता है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहां से हमको हमारे शरीर को पानी मिलता है। बाय ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली, पानी को हम डायरेक्ट पीकर हमारे शरीर को पानी मिलता है। चाय पीते हैं उसमें भी पानी होता है, जूस पीते हैं उसमें भी पानी होता है, फ्रूट्स फलों में भी पानी होता है, वेजिटेबल्स सब्जियों में भी पानी होता है। नाउ सेवन सोर्स या कंपोनेंट ऑफ फूड का कंपोनेंट है सेवन, रफेज। रफेज क्या है, फूड का सेवन कंपोनेंट है जिसे डायट्री फाइबर भी कहते हैं। रफेज इज द फाइबरस मैटर इन फूड। रफेज क्या होता है, रेशेदार तंतुदार क्या होता है, मैटर होता है, पदार्थ होता है हमारे भोजन में, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, जो पचता नहीं है, पचाया नहीं जा सकता। रफेज इज मेड ऑफ इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट। रफेज किससे बना होता है, अपचक कार्बोहाइड्रेट से, कार्ब सेलुलोज जिसे सेलुलोज कहते हैं, विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। रफेज कहां पाया जाता है आपका, प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। रफेज प्रोवाइड बल्क टू फूड। रफेज क्या करता है, हमारे फूड को बल्क प्रोवाइड करता है, आकार प्रोवाइड करता है। कीप्स द फूड एंड वेस्ट मैटर फीसेज मूविंग अलोंग द इंटेस्टाइन, जिनकी वजह से ये फीसेज हमारे वेस्ट मैटर हमारे हाथों में क्या करते हैं, मूव करते हैं। एंड हेल्प टू प्रिवेंट कंस्टिपेशन, और हमारे शरीर में जहर बनने से रोकते हैं, कंस्टिपेशन से रोकते हैं। सोर्सेज ऑफ रफेज, रफेज के क्या सोर्सेज हैं, वेजिटेबल्स सब्जियों से हमें रफेज मिल जाता है। होल मील फ्लोर आटे से बने हुए प्रोडक्ट्स में, जैसे चपाती है, रोटी और आपका ब्रेड है, इसमें क्या होता है, रफेज होता है। ओके,